हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एस अकेडमी नासिक क्लासरूम। आई एम प्रोफेसर प्रशांत पाटिल। आज हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में भी लास्ट वीडियो में भी हमने स्टडी किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉब्लम थोड़े डिफरेंट थे, आज ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे हम प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, सॉल्व द इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो कि दिया है साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इनटू 1 माइनस 2 माइनस कॉस 2x dx। सो दोस्तों, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाएगा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। दो फैक्टर तो डिनोमिनेटर में दिए हैं ऑलरेडी, ऊपर साइन 2x है, नीचे कॉस 2x है, तो हमें इसका रिलेशन पता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, सो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, put cos of 2x is equal to t। so इसका अगर derivative लिया तो sin 2x बन जाएगा। composite function है तो 2x का derivative आगे लेना पड़ेगा हमने, जो कि देखा था हमने is dx is equal to dt। so यहाँ पे तो sin 2x dx है, so minus 2 हमें shift करना पड़ेगा RHS में, so remaining is sin 2x dx is equal to minus dt by 2। so equation 1 we can rewrite here, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx जो है उसकी जगह पे हमें पुट करना है dt by 2 upon 1 minus cos 2x is t and 2 minus t। ओके, अगर इसको हमने सिंपलीफाई किया तो minus 1 by 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, रिमेनिंग इज dt upon 1 minus t 2 minus t। प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल हो गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो केस 1 भी है, कुछ डिनोमिनेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 आ जाएगी। सो बाय केस 1, सो हम यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। सो इट बिकम 1, नथिंग इज गिवन इन न्यूमरेटर, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 1 हियर। सो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, दोनों सेपरेट करने के बाद ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी आ जाएगा। So, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये जो एलएचएस में दिया है डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को। सो एलएचएस में रहेगा सिर्फ 1 इज इक्वल टू ए इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, छोड़ के जो रहेगा वहां पे 2 माइनस टी, टी के साथ लेना पड़ेगा, टी के साथ 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 1 माइनस टी। सो दो अगर रहेंगे तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं, अगर 3 के टाइम रहेगा तो ब्रैकेट की तरफ फोकस करना पड़ेगा हमें। सो इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं अभी 4, सो ए फाइंड आउट करने के लिए बी जीरो करना पड़ेगा। सो अगर टी इज 1 पुट किया तो ये जीरो आ जाएगा, सो पुट टी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 4 बन जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इनटू ब्रैकेट 2 माइनस 1 प्लस बी इनटू 0, देयरफॉर 2 माइनस 1 इज 1, सो ए बन गया 1। ओके, ए की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ फाइंड बी, बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा टी की वैल्यू, ए जीरो करना पड़ेगा, ए जीरो करने के लिए टी की जगह हमें 2 पुट करना पड़ेगा। So put t is equal to 2 in equation 4 here. So equation 4 become 1 is equal to a जो कि 0 हो जाएगा plus b into bracket 1 minus 2. So 1 minus 2 means minus 1. So b become minus 1. a और b की वैल्यू मिल गई है, हम पुट कर सकते हैं put in equation 3. So equation 3 we can write down here 1 upon 1 minus t into 2 minus t is equal to a is 1, b is minus 1. ओके, ये जो है वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। ओके, नाउ सिंपलीफाई दिस इक्वेशन, इसको सेपरेट करते हैं हम, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, जो कि अभी दोनों टर्म सेपरेट हो गए हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन के टाइम हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर 1 होगी तो बाय डिफॉल्ट उसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे बन गया माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ 1 माइनस टी, माइनस इज हियर लॉग ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी जो कि हमें फॉर्मूला पता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या आता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। So this equation can be written as log of 1 minus t upon 2 minus t. अभी हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। Now put t is equal to cos 2x.
So finally, I is equal to minus 1 by 2 log of 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1 by 2 इसका पावर हो जाएगी, पावर होने के बाद उसके रूप में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक भी किया तो भी चलेगा. So this is the final answer. Next problem हम यहाँ पे ले रहे हैं. इंटीग्रेशन i is equal to 1 upon sin theta plus sin 2 theta. So दोस्तों इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, ये समझ में नहीं आएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन इसको सिंपलीफाई करते करते हमें फिर बाद में आइडिया आएगी. सो सिंपलीफाई कैसे करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता है. सो हम यहाँ पे sin 2 theta का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. sin 2 theta is what? 2 sin theta into cos theta. So इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया, तो sin 2 theta की जगह हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू. So I become what? 1 upon sin theta plus 2 sin theta into cos theta. अभी ऑब्जर्व कीजिए, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में साइन साइन कॉमन है, तो उसको कॉमन आउट ले लेते हैं. इट बिकम 1 अपॉन, उसको कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, सेकंड टर्म में 2 cos थीटा रहेगा. तो ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, cos भी मिल गया, साइन भी मिल गया यहाँ पे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के टाइम cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा और साइन ऊपर चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय, इसे बैलेंस करते हुए हमें एडजस्टमेंट करना है sin theta to above equation. So equation हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं, numerator में आएगा 1 into sin theta raise sin theta, sin theta into sin theta नीचे आएगा sin square theta, 1 plus cos of 2 theta d theta. So दोस्तों जी अभी ऑब्जर्व कीजिए, cos की वैल्यू अगर t put की cos of theta होगी, cos की वैल्यू अगर 2 cos theta, cos की वैल्यू अगर t put की तो माइनस साइन तो ऊपर है, साइन ऊपर है लेकिन नीचे का क्या. So we have identity. So use identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So it becomes sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So ये use क्यों करना है, अभी ऑब्जर्व कीजिए, cos की वैल्यू अगर मैंने t put की यहाँ पे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा. So we have to convert this value in terms of cos. तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. So I become क्या आएगा हमारा, ऊपर तो sin theta d theta रह गया, नीचे आएगा sin square theta, instead of sin square theta we can write down cos square theta into bracket 1 plus 2 cos theta d theta. Equation हम 2 consider करते हैं अभी. अभी observe कीजिए अच्छी तरह से, हम यहाँ पे put कर रहे हैं cos theta is equal to t, cos का derivative obviously minus sin theta आएगा, d theta is equal to dt, minus sin उस side shift करने के बाद आएगा sin theta d theta is equal to minus dt. So यहाँ पे equation 2 क्या आएगा, जैसे ऑब्जर्व कीजिए sin theta d theta की जगह हम minus dt put कर सकते हैं, और जहां पे भी cos होगा वहां पे हम t put करना है हमें, 1 minus t square 1 plus 2t. तो दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, 1 minus t square हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 1 square minus t square right is equal to 1 minus t 1 plus t, यहां पे put कर सकते हैं. सो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस साइन आउटसाइड ले रहे हैं हम यहाँ पे, डी टी अपॉन दैट इज 1 डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी इनटू 1 प्लस 2 टी. ओके, तो इन इसको हम कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो दोस्तों ये तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर सेपरेट करने के लिए हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा. सो केस चेक कर लीजिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर t into t दैट इज t क्यूब की डिग्री आ गई 3. सो डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री है, तो केस 1 हम अप्लाई कर सकते हैं. सो यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन 1 माइनस t 1 प्लस t 1 plus 2t is equal to a upon first is 1 minus t, b upon second one is 1 plus t, c upon last one is 1 plus 2t. Okay, तो अभी equation इसको हम consider कर रहे हैं 4. अब इसको simplify करने के बाद LHS में सिर्फ numerator रहता है, इस साइड a into bracket 1 minus t छोड़ के, ये bracket छोड़ के बाकी दो bracket हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस b इनटू ब्रैकेट 1 प्लस t छोड़ के बाकी दो ब्रैकेट, प्लस c इनटू 1 प्लस 2t छोड़ के दोनों ब्रैकेट. इक्वेशन
अभी जस्ट ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, इसको ए फाइंड आउट करना है तो बी और सी शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ए फाइंड आउट कर रहे हैं, सो पुट टी इज इक्वल टू व्हाट, सो बी और सी में कॉमन क्या है, 1 माइनस टी 1 माइनस टी। अगर टी की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 माइनस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, सो पुट टी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 5। सो 5 इक्वेशन हम रीराइट कर रहे हैं यहाँ पे, ए इंटू ब्रैकेट टी की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 दैट इज 3, प्लस बी जो भी जीरो हो जाएगा, सी भी जीरो हो जाएगा, सो 3 टू द 6, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 6 ए, सो ए यहाँ पे मिल गया हमें 1/6। नाउ फाइंड बी, बी फाइंड करने के लिए ए और सी के साथ, ए और सी जो कांस्टेंट है उसके साथ जो कॉमन फैक्टर है वो कंसीडर कीजिए, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी इज हियर, टी की वैल्यू अगर मैंने पुट की माइनस 1 इन इक्वेशन 5, तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सो हियर वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस सी जो कि जीरो हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, सो इट बिकम माइनस 2 बी, देयरफॉर बी की वैल्यू में मिल गई यहाँ पे माइनस 1/2। ओके, सिमिलरली हम सी फाइंड आउट करेंगे अभी, नाउ फाइंड सी। सी फाइंड करने के लिए ए और बी में कॉमन फैक्टर कौन सा है वो ऑब्जर्व कीजिए, 1 प्लस 2t है, तो 1 प्लस 2t हमें जीरो करना है, सो 2t बिकम व्हाट, माइनस 1, सो t इज इक्वल टू माइनस 1/2 पुट इन इक्वेशन 5। अगर ये ब्रैकेट जीरो करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकाल दीजिए, सो हियर इक्वेशन 5 बिकम 1 इज इक्वल टू a जो कि जीरो बन जाएगा, b जो कि वो भी जीरो बन जाएगा, प्लस c इनटू ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ माइनस 1/2 दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस इनटू माइनस माइनस 1/2। ओके, सो फाइनली हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, तो c आएगा यहाँ पे, दिस बिकम 3/2 एंड दिस इज 1/2, सो 3/4, सो 1 इज इक्वल टू c इनटू ब्रैकेट 3/4, देयरफॉर c इज इक्वल टू 4/3। नाउ पुट A, B, C in equation 4. तो equation 4 हम लिख सकते हैं, जो कि AHS is equal to A is what? A जो 1/6 है upon 1 minus T. B is minus 1/2 upon 1 plus T. And C is 4/3 upon 1 plus 2T. Okay? अभी ये जो answer है, ये direct हम put कर सकते हैं equation number previous pay, okay, that is 3. So from equation 3 or 2, जो भी है वो यहाँ पे note down नहीं किया, लेकिन हमें पता है I is equal to minus integration of इसकी, यानी इस value की जगह हम ये put कर सकते directly. So this become 1/6 upon 1 minus t minus 1/2 upon 1 plus t plus 4/3 upon 1 plus 2t dt. अब इसको separate कीजिए, so it become 1/6 is common, 1 upon 1 minus t dt, minus 1/2 is common here, so remaining is 1 upon 1 plus t dt, plus 4/3 integration of 1 upon 1 plus 2t dt. So, denominator observe कीजिए, denominator में हर coefficient variable की degree 1 है, so directly we can write down this integration of this term as a log of 1 minus t, 1/6 log of 1 minus t, minus 1/2 log of 1 plus t plus 4/3 log of 1 plus 2t plus c. Now finally we can put here t is equal to cos x cos theta. So finally I become minus 1/6 log of here 2t is given, so हमें derivative इसका लेना पड़ेगा नीचे, इसका derivative 1 आ जाएगा, इसका derivative minus 1 आता है, okay? इसका derivative 1 आएगा, इसका derivative 2 बन जाएगा. So finally, it becomes minus of 1/6 log of 1 minus cos 2 theta, cos theta only, minus 1/2 log of 1 plus cos theta, 2 1s are 2 2s are, so it becomes 2/3 log of 1 plus 2 cos theta plus c. So this is final answer of this equation. So इस तरीके से हम trigonometry के problem भी इस formula से by partial fraction से solve कर सकते हैं.
जैसे उसको बैलेंस करके सिंप्लीफाई कीजिए, ऑटोमेटिकली वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा, जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो फॉर्मूले हम वापस यूज करके उसको प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो दोस्तों यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट में 3 प्रॉब्लम है, सेम कंसेप्ट पे है, प्लीज ये सॉल्व कीजिए जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं ये सॉल्व करने के बाद, और मुझे आंसर रिप्लाई कीजिए बाय कमेंट्स। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, जिसके वजह से आपको नोटिफिकेशन आएंगे।